Shazy Betty 50. तो हेलो गैस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गैस, आपने तो स्टार्ट में वीडियो देख लिया होगा क्रिकेट वाली ब्लू एपिक HD। तो इस तरह की वीडियो आपने कैसे क्रिएट करने है, जो कि टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। तो इस तरह की वीडियो क्रिएट करना बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान तरीके के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो एक तो इस बात पर आपने वीडियो को एंड तक लास्ट भी देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चले गए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस, इस तरह की वीडियो हमें लाइट मोशन ऐप के ऊपर एडिट करने वाले हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। और ऊपर आपने क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने अपने चैनल का रेशो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं 4.3 रेशो को सेलेक्ट करता हूँ और नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आपके साथ लाइट मोशन ऐप ओपन हो जाएगा। तो गैज, यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर नीचे प्लस का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने सेकंड नंबर पर मीडिया का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने अपना क्रिकेट वाली वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो चले गए, यहाँ पर हमारे साथ वीडियो सेलेक्ट हो चुका है। तो गए, इस वीडियो पर कोई ब्लू इफेक्ट एंड कोई VR इफेक्ट ऐड नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो के ऊपर टैप करना है, नीचे इफेक्ट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, ऊपर आपने सर्च बार में जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने टाइप करना है CH। ठीक है, और यहाँ पर आपको चैनल रैंप RGB का इफेक्ट है, आपने इसके ऊपर टैप करना है। और नीचे स्टैंडर्ड सेटिंग पर आपने क्लिक करना है। तो गैस, यहाँ पर आपने बहुत गौर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चैनल रैंप RGB के सेटिंग पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे थर्ड नंबर लाइन में आपको G नज़र आ रहा है, आपने इस G पर क्लिक करना है। तो आपकी वीडियो थोड़ा ब्लू हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो। इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे फिर से आपने इफेक्ट पर क्लिक करना है और ऊपर आपने सर्च बार में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने टाइप करना है SA। ठीक है, और यहाँ पर आपको सेचुरेशन वाइब्रेशन का इफेक्ट है, आपने इसके ऊपर टैप करना है। नीचे आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। तो गैस, यहाँ पर आपने सेचुरेशन वाइब्रेशन के सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऊपर सेचुरेशन का ड्यूरेशन आपने यहाँ पर +80 तक रखना है। ठीक है, आप अपनी वीडियो के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। और नीचे वाइब्रेशन का ड्यूरेशन, इसको आपने यहाँ पर 1.30 तक इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इस इफेक्ट की मेथड कम्प्लीट करना है। तो गैस, यहाँ पर नेक्स्ट बार जाती है, आपने इस वीडियो के ऊपर स्नो इफेक्ट अप्लाई करने हैं, लेकिन उससे पहले हम HDR इफेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद स्नो इफेक्ट अप्लाई करूंगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहो। ठीक है, तो HDR इफेक्ट कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपने नीचे प्लस का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करने है। यहाँ पर सेकंड नंबर स्क्वायर का ऑप्शन है, आपने स्क्वायर को सेलेक्ट करना है। और स्क्वायर को आपने कुछ इस टाइप से जूम आउट करना है। यहाँ पर आपको नीचे कलर एंड फिल का ऑप्शन दिख रहा होगा, कलर एंड फिल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इस कलर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ से बैक आने और यहाँ पर आपने जाने ब्लेंडिंग ऑप्सिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल करने, यहाँ पर आपको डिफेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने डिफेंस पर क्लिक करना है। थर्ड नंबर और सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, आपने सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करें। तो आपकी वीडियो कुछ इस टाइप से रेड हो जाएगी। ठीक है, तो गैस, यहाँ पर आपने नेक्स्ट हम क्या करना है, तो सबसे पहले आपने वीडियो के ऊपर टैप करना है, नीचे इफेक्ट में आ जाने, एड इफेक्ट पर क्लिक करने, ऊपर आपने सर्च बार में जाना है। ठीक है, देन गैस, आपने यहाँ पर CO टाइप करने और यहाँ पर जो काफ़ी बैकग्राउंड का इफेक्ट है, आपने इसके ऊपर टैप करने, नीचे आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करने। एंड गैस, आपने यहाँ पर फिर से एड इफेक्ट पर क्लिक करने, ऊपर सर्च बार में जाने, यहाँ पर आपने G टाइप करने। और यहाँ पर जो ग्लेशियर ब्लर का इफेक्ट है, आपने इसके ऊपर टैप करने और नीचे अपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करने। एंड गैस, आपने यहाँ पर फिर से एड इफेक्ट पर क्लिक करने, ऊपर सर्च बार में जाने, यहाँ पर आपने EX टैप करने। यहाँ पर आपको जो एक्सपोजर गामा का इफेक्ट है, आपने इसके ऊपर टैप करने, नीचे आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करने। ठीक है, तो ये मेथड हमारे साथ कंप्लीट हो गया है। तो अब इसका ड्यूरेशन आपने रखना है। ठीक है, तो गैस, यहाँ पर आपने ग्लेशियर ब्लर के सेटिंग पर क्लिक करने और यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन, इसको आपने यहाँ पर 0.2.80 तक इसको एडजस्ट करें। जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, और बैक आने के बाद आपने एक्सपोजर गामा के सेटिंग पर क्लिक करने और यहाँ पर ऊपर जो एक्सपोज का ड्यूरेशन, इसको आपने यहाँ पर -0.62 तक इसको एडजस्ट करेंगे, बस इतना करने। ठीक है, और यहाँ पर आपने नीचे बिल्कुल भी नहीं चलना। तो यहाँ से आपने बैक आने, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर नेक्स्ट जो नीचे प्लस का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करने। सेकेंड नंबर पर आपने फिर से स्क्वायर को सेलेक्ट करने और इसका जो कलर है, इसको आपने कलर एंड फिल में जाने और यहाँ से अपने व्हाइट कलर को सेलेक्ट करने। और यहाँ से अपने बैक आने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करने और नीचे स्क्रॉल करने और थर्ड नंबर कंट्रास्ट का ऑप्शन है, आपने कंट्रास्ट पर क्लिक करने और इसको आपने करना है स्क्रीन। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो चुका है। तो हमारे वीडियो में ब्लू इफेक्ट पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने इस वीडियो के ऊपर स्नो इफेक्ट ऐड करना है।
तो आपने यहाँ पर नीचे प्लस पर क्लिक करने, सेकंड नंबर गैलरी में जाने और यहाँ पर आपने स्नो इफेक्ट को अप्लाई करने। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने कुछ स्टेप्स हैं, दोनों फिंगरों की मदद से इसी तरीके से जूम आउट करने स्क्रीन के बराबर और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने और यहाँ पर आपने नीचे सेकंड नंबर लाइटिंग का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करने और इसको आपने करने ओवरले, तो ये ब्लैक बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो फाइनली गाइस हमारा जो वीडियो कंप्लीट हो गया है 100% तक। तो यहाँ पर लाइट मोशन के ऊपर वीडियो प्ले करना थोड़ा सा इधर उधर सा लगता है, तो इसको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। ये जैसे एक्सपोर्ट होगी तो मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चले गए हमारे साथ एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका है, जैसे कंप्लीट होगी तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो चले गए एडजस्ट हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पर एक बार प्ले करते हैं। तो गाइस आप वीडियो को देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से वीडियो में ब्लू इफेक्ट एंड एचडी इफेक्ट अप्लाई हो चुका है और स्नो इफेक्ट भी कितने अमेजिंग तरीके से लग रहा है। तो आप कुछ स्टेप से इस तरह की वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हो, लाजमी बात है आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, टेक केयर।